हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आने वाले 24 घंटे के बारे में। यूनिवर्स कौन सा मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे। एंड ये पूरा एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी मत करना। एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके आज का दिन इट्स ऑल अबाउट, मैं कहूँगी आप किस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे तो आप देखोगे कि आपके साथ सब नेगेटिव ही हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप लाइफ में कुछ चेंज चाह रहे हो। चेंज ये जो चेंज है आप काइंड ऑफ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस चाह रहे हो। ओके यस आप काइंड ऑफ अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हो, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर मेहनत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास भी लाइक वो जिम हो या वो जॉब हो या आपके पास वो घर हो, वो गाड़ी हो, लाइक आप एक काइंड ऑफ परफेक्शन ढूंढ रहे हो कहीं पे। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। बट आप जो समझ नहीं पा रहे हो कि उस परफेक्शन और रियलिटी के अंदर एक फ़र्क है। एंड आई फील लाइक आप किसी को देख रहे हो, ठीक है। ये कोई सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं, ये कोई लाइक कुछ भी हो सकते हैं, पर आप किसी को देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ या मुझे वैसा बनने के लिए क्या करना होगा। बट आप जो समझ नहीं रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, जो टैलेंट्स है, जो प्लस पॉइंट है आपका, या जो आपको जो भी चीज़ें मिली है लाइफ में, आपके जो लेसन्स हैं, आपकी जो जर्नी है, आप उसका इस्तेमाल करके आप कुछ शायद बेहतर बना सकते हो या आपकी जर्नी कहीं और जा सकती है। इट्स अबाउट हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप खुद को लिमिटेशंस के नज़रों से देखोगे तो आपका लाइफ लिमिटेड ही रह जाएगा, पर अगर आप अपने आप को एक नया डायरेक्शन में जाते हुए देखोगे तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आएंगे। सो आई फील लाइक कलेक्टिव आज का दिन आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में ही सही, पर यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, शायद आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरी किस्मत है, ये मेरे साथ तो ऐसा होता आया है, क्योंकि आपका माइंडसेट या आपका नज़रिया वैसा हो गया है। सो फोकस ऑन आप क्या सोच रहे हो, फोकस करो कि आप क्या समझ रहे हो किसी चीज़ को देख के, एंड आपका नज़रिया क्या कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। आप दूसरों के बारे में अगर आपको कहीं से नेगेटिविटी मिल रही है, कोशिश करो उस चीज़ को इग्नोर करने की, ना ही नेगेटिव सोचने की कि हाँ वो नेगेटिव है, हाँ वो नेगेटिव, ये उसके वजह से मेरा लाइफ नेगेटिव है, उस सिचुएशन मेरे लाइफ में है इसीलिए तो मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर आप उस चीज़ को इग्नोर कर दे, उस इंसान को, उस सिचुएशन को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दे। आप बस अपने पॉजिटिविटी के साथ ही रहे। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ एक रेजिस्ट कर रहे हो सिचुएशन को अपने लाइफ में, एंड आई एम हियरिंग दैट आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अगर आपका असलियत आपने बाहर आप लेके आए तो फिर लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, या फिर आपकी कमज़ोरी बाहर आ जाएगी, आपकी इनसिक्योरिटी बाहर आ जाएगी, या लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, या आपने लोगों के बीच में जो एक इमेज बनाया है वो इमेज आपका नहीं रहेगा। सो आई फील लाइक आप अपने लाइफ में या तो किसी जगह पे, किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों के सामने या कहीं पे भी आप एक थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना स्ट्रॉन्ग रहना चाह रहे हो, या आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता या जो भी हो रहा है वो सब आपके कंट्रोल में है, बट अंदर से आप स्ट्रेस्ड आउट हो, अंदर से आप एंग्शियस हो, अंदर से आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है, आप भी डर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो आई एम हियरिंग आप किसी के बारे में अपना फीलिंग्स बहुत अच्छे से छुपा रहे हो।
आप अपना फीलिंग्स बहुत अच्छे से छुपा रहे हो, कुछ फील कर रहे हो आप, या तो पेन, या तो हर्ट, या तो लव, या तो हैप्पीनेस, या जेलसी, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट आप उसे बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हो एवरी डे, बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, या इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, या फिर लोग मुझे जज करेंगे, फिर लोग मुझे एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे. सो इट्स लाइक आप कंटिन्यूअसली अपने माइंड के साथ गेम्स खेलते जा रहे हो. व्हाट कैन यू डू अबाउट दिस? सी, आई सी दैट आपको कुछ रिविलेशंस करना आपके लिए ज़रूरी है विद दैट सन, बिकॉज या आई फील लाइक यू हैव टू ओन अप टू समथिंग, लाइक या तो अपने सामने या तो किसी के सामने आपको कुछ चीज़ों के बारे में ओन अप करना है. एटलीस्ट आई विल से दैट जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, आप ऐसा कर सकते हो. अगर आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपको बोझ महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा है, एंड आप किसी से वो शेयर नहीं कर सकते, या आपको लग रहा है कि आपने किसी को बता दिया, दिखा दिया आपका इनसिक्योरिटी वगैरह, तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, अगर आपको ये डर है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप बस आईने के सामने जाइए और बात कीजिए. आप बताइए कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ये बस एक छोटा सा एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप बताइए, टॉक अबाउट इट, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, आपको किस चीज़ से घुटन महसूस हो रही है, कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने लाइफ में बदलना चाहते हो इस समय. ये कुछ जो बहुत ही डेलिकेट पॉइंट्स है, जो आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हो, ये आप खुद के साथ डिस्कस करें. एटलीस्ट आप इसे एक दो बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा या हल्का महसूस होगा अंदर से, ट्रस्ट में. आप इसे करके देखो एंड आपके पास क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, आपको सुकून भी मिलेगा. ये जो घुटन है, ये आपके दिमाग दिल पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है. ये आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से आप नेगेटिविटी को बाहर से अट्रैक्ट भी कर रहे हो. गलत टाइप के लोग, गलत टाइप के हैबिट्स, यू नो, बहुत लाइक एनर्जी ना मिलना ज़िंदगी में, आपको बहुत लेजीनेस फील होना, आपको लगना कि मैं स्टक हूँ, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ये जो सब नेगेटिविटीज़ है, ये आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप इंटरनली बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, आप यू नो घुटन से भरे हुए हो अंदर से. सो ये रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप किसी और को बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो मैंने जो कहा आप वो कर सकते हो, बिकॉज ये रिलीज़ करना, इस एनर्जी का रिलीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर यू टू बी पॉजिटिव. तभी पॉजिटिविटी आप महसूस करोगे, तभी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे. अंदर का ये जो कचरा है, उसे बाहर निकलना ज़रूरी है. नाउ सेकेंडली आई कैन टेल यू दैट आपके करियर की अगर मैं बात करूं, आई सी दैट देर इज लाइक अ न्यू डिरेक्शन जिसे आप फॉलो कर रहे हो, एंड ये डिरेक्शन ओके. सो ये जो डायरेक्शन आप फॉलो, लाइक आई फील लाइक आपने कुछ नया शुरू किया है, या आप सोच रहे हो, इट कुड बी अ रूटीन, इट कुड बी अ प्लानिंग स्ट्रैटेजी, नया बिजनेस, या नए क्लाइंट्स, या आपने कुछ नया तौर तरीका निकाला है अपने काम को करने के लिए. बट आई फील लाइक आपने अपना रास्ता बदला है, या आप रास्ता बदलोगे, तरीका बदलोगे, या आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उन लोगों को बदलोगे, आपके आपके बिहेवियर को, लाइक कुछ ना कुछ आप चेंज करोगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि पुराने तौर तरीके आपको नए रिजल्ट्स नहीं लेके देने वाले. सो आपको कुछ नया तरीका, कुछ नया इनोवेटिव उपाय आपको निकालना होगा, तभी जाके आपके करियर में कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस आ सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव बड़े बिग चेंजेस आ सकते हैं. ऑल्सो सम ऑफ यू, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हो अपने करियर को लेके, बिकॉज आपको कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या मुझे उसमें से कोई भी लाइक रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मेरा लाइफ उस पाथ में जाके सेटल हो पाएगा, क्या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी भी हासिल होगा. सो ऑल दीज थिंग्स, लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, अपने ऊपर डाउट करना कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं उस मुकाम
मुकाम तक पहुंच पाऊंगी. सो आई फील लाइक अगर आप एक रास्ते पे चल चुके हो उसके बाद ये सब सवाल करना बहुत ही अजीब है. लाइक उसके बाद ये सब सवाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी एक रास्ते पे चल रहे हो. सो मान लो आप घर से निकलते हो ऑफिस जाने के लिए, आप घर से एक रास्ता पकड़ के ऑफिस जाते हो, चाहे आप किसी में भी ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में, बस में, ऑटो में, कहीं पे भी आप एक घर से निकल के आप एक रास्ते से ऑफिस जा रहे हो. तो मान लो आपने घर से आप निकल गए, क्या आप हर दिन ये सोचते हो कि क्या मैं ऑफिस पहुँच पाऊँगी, क्या मैं ऑफिस तक जा पाऊँगी, क्या ये हो पाएगा, क्या मेरा रास्ता सही है? आप हर दिन ये सोचते हो क्या? नहीं ना, आप बस निकलते हो, आपको रास्ता मालूम है, आप ऑफिस पहुंच जाते हो. तो इसे भी आप इसे सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए. ऐसा नहीं कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या हो पाएगा, क्या मैं जा पाऊँगी, क्या मैं पहुंच पाऊँगी. अगर आपको रास्ता मालूम है, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको पता है आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, तो फिर ये सवाल करने का मतलब ही क्या है? थिंक अबाउट इट. कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो. एंड बाकी जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज नहीं, उसे चैलेंज कहते हैं. चैलेंज हर एक रास्ते में ही आएगा. आपको बाहर, आप जब ऑफिस जाते हो आपको ट्रैफिक मिलती है, चैलेंज चैलेंज हर जगह पे आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, पर उसे आपको ब्लॉकेज नहीं समझना है. एंड ये सेल्फ डाउट को हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना इट विल लाइक क्रिएट ब्लॉकेजेस एक्चुअली. लव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, एनर्जीज हो सकते हैं. मतलब कि आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी है, आपकी एनर्जी पर्सन की है, तो आपको जैसे रेजोनेट करे आपको वैसे देखना है. एंड यस, सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर लव, मुझे जो दिख रहा है कि आपके साइड से आपका जो एनर्जी है इट्स वेरी रेजिस्टेंट टू समथिंग. लाइक कुछ है जो आप मानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते वाला सिचुएशन. लेट मी क्लैरिफाई. What is this? The Wheel of Fortune. Sun of Cups. Okay. आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे सपोज आप किसी के साथ डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, डजेंट मैटर, किसी के साथ आप डील कर रहे हो. आप एक इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो दैट आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या आप उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो. लाइक आप हो बट आप उतना भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप देखना चाहते हो, आप इस पर्सन पर काइंड ऑफ नज़र रखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं. आप अगर उन्हें भाव नहीं देते हो तो क्या ये चले जाते हैं? क्या ये उल्टा और एफर्ट्स डालते हैं? क्या ये आपके सामने आके कुछ इमोशनल बातें करते हैं, या किसी और को जाके आपके बारे में पूछते हैं? ये करते क्या है? व्हाट विल बी हिज और हर एक्शन? आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस लगा के बैठे हो, लेकिन आप उसे दिखा नहीं रहे. आप अपने काम कर रहे हो, आप अपना लाइक ज़िंदगी में बिजी हो, आप लाइक बहुत रेजिस्ट कर रहे हो कि मैं ना दिखाऊँ कि मैं वीक हूँ, या मैं इमोशनल हूँ इस इंसान के बारे में, या मुझे फ़र्क पड़ता है. तो जितना कम हो सके आप उतना कम दिखा रहे हो, जितना कम हो सके आप उतना ही कम शो कर रहे हो अपना असली साइड इस पर्सन के सामने. ओके, बट आप जो चाहते हो दैट इज़ लव, दैट इज़ अबंडेंस, दैट इज़ अ फ्यूचर, पर आप बिल्कुल उसे उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, या उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो. जो लोग सिंगल हो, आप एक प्रॉपर स्टेबल फ्यूचर रिलेशनशिप या मैरिज चाह रहे हो, वो आपकी डिज़ायर है, आपके दिल में वो चीज़ है कि मुझे एक दिन ऐसा कुछ चाहिए, जितना जल्दी हो सके मुझे चाहिए, ये समथिंग दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. लेकिन आप असलियत में क्या कर रहे हो? मैं लव में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा काम है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये सब रिलेशनशिप मुझसे नहीं हो पाएगा. आपकी ये एनर्जी है. सो वॉट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड, आपका जो बाहर का जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है. ओके, आपके पर्सन की जब मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ समबडी
आई फील जो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है या तैयार होने वाले हैं, या अगर आप लोग प्रॉपर लाइक कॉन्टैक्ट वगैरह में हो तो या 10 of cups नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इस पर्सन के साइड से बहुत सारा एक्शन, मूवमेंट, प्यार, इमोशन, कॉन्वर्सेशंस मिलेगा. ओके, अगर आप लोग कनेक्शन में हो, लाइक टॉकिंग टर्म्स में हो, बातचीत कर रहे हो, आपको दिखेगा था कि ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगोगे. आपको लगेगा दैट हाँ चलो यहाँ पे सच में इमोशन है, या ये पर्सन सच में लाइक फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं. अब जिन लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट है, बहुत दिनों से आपने बात नहीं किया, बहुत सालों से बात नहीं किया, आई फील लाइक उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी दैट सी दिस पर्सन, आई फील लाइक दिस पर्सन हैज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन. ओके, अगर ऐसा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से हो, लाइक एटलीस्ट 3-4 महीने हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा, लाइक 1-2 साल 3 साल ऐसा, आई फील लाइक इनके लाइफ में कोई और है. अब कोई और है मतलब मैं नहीं कहूँगी कि ये और एक रिलेशनशिप में है, कल शादी करने वाले, वैसा नहीं. ये मे बी किसी से जस्ट बातें कर रहे हैं, मे बी ये किसी के साथ कैजुअली डेट कर रहे हैं, या फिर मे बी ये सच में किसी रिलेशनशिप में है, या मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है. तो आई फील लाइक जो लोग बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, कोई खबर नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया है, उन लोगों के लिए इस पर्सन को आप इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर लोगे अगर आप करना चाहते हो, अगर आप करोगे, अगर आप कुछ वो कैंडल मैजिक हो गया, ये वो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी हो, अगर आप इनको मैनिफेस्ट करोगे तो ये मैनिफेस्ट होंगे आपके लाइफ में. बट यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि बहुत ध्यान रखना कि आप इन्हें क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस इंटेंशन पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि आप इस पर्सन को आप इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकते. ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइक इन एंड आउट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइक आपको यहाँ वहाँ झूठ सच बोल सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसे किसी से डील कर रहे हो. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बुरे हैं या इनमें खराबी है, लेकिन ये जो उनका सिचुएशन है लाइफ में इस वक्त अगर आपने उसने मैनिफेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है. पर वो डिपेंड करता है कि आपके मैनिफेस्टेशन का इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन में कितनी क्लैरिटी है. तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप करोगे, नहीं करना चाहते हो मत करो. फिलहाल ये पर्सन का एनर्जी कहीं और मुझे दिख रहा है, समवेयर विद समबडी एल्स. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. अगर आप नए हो यहाँ पे, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई.